ये तो हमारे लिए बहुत जोखिम का मामला हो गया बिल्कुल। और बिल्डिंग में तो ऑलरेडी पहले भी एक दो बार ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। ये बिल्डिंग है किसकी? ये पता नहीं किसी दर्शन वर्शन नाम से दर्शन लाल की है, मुखर्जी नगर के अंदर रहता है। 2892 मकान नंबर है इसका जी। इसने फर्स्ट फ्लोर लिया था, उसके अंदर कम से कम 30-40 कमरे बना रखे हैं, जिसे लेबर तबके की यहाँ पर जिनको सिलेंडर चलाने की तमीज नहीं है, कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते, वो सारे उनको 500 रुपए में 1000 रुपए में कमरे किराए पर दे रखे हैं, जिसके अंदर पानी भी मेरे ख्याल से 99% इनलीगली होगा। वो भी पानी भी 2 नंबर का यूज करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर 400 बंदा रहता है तो उसका बिल कितना आना चाहिए? दिल्ली जल बोर्ड से पूछो, DDA से पूछो, इनकी सुनवाई कौन करेगा? अभी तक जो सामने मामला आया है ये आग लगने का, कितने लोग इसमें घायल हो चुके हैं? इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये 5 ग्रेड वाले बताएंगे। क्या था आप तक 6-7 सिलेंडर बताने ब्लास्ट हुए हैं हमारे पहुंचने से, जब पहुंचे थे हमारे जो और जवान उन्होंने बताया 6-7 सिलेंडर हुए। कैजुअल्टी अभी तक कोई रिपोर्टेड है नहीं, सर्चिंग ऑपरेशन होना अभी बाकी है। 7:50 पे लगभग हमें कॉल मिली थी कि एक मकान में आ गए। इनिशियली 4 गाड़ियाँ स्टेशन अफसर के साथ भेज दी गई थी, उसने आके इस गाड़ी इसको फायर को थोड़ा सा अपग्रेड किया था मेक 4 कैटेगरी का, तो उसमें 6 गाड़ियाँ और भेजी गई। मौके पर हमारी लगभग 10 गाड़ियाँ हैं और ऑपरेशन आग बिल्कुल काबू पा लिया गया है, बुझा दी गई है। अब सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, देख के फिर आपको बता पाएंगे कैजुअलिटी कोई है या नहीं। सर फैमिली जो ऊपर रह रही थी उनसे बात हुई कि कोई ऊपर रह तो नहीं गया? सब नहीं, किसी ने बताया नहीं कोई आदमी अंदर रह रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए जरूर एक बार सर्च करेंगे कि कोई अंदर रह तो नहीं गया गलती से। कितना टाइम लगा सर टोटल फायर पे कंट्रोल करने? कम से कम आधा पौना घंटा लगा उसमें, क्योंकि एक्सेस प्रॉपर नहीं थी, नैरो जो लेंस थी वहाँ से जाना पड़ रहा था, और ऊपर जो मकान बने हुए वो भी ऐसे जो थोड़ा सा स्टेबल नहीं है और छोटे छोटे करके बना रखे थे, जिसमें डर था कि कहीं ज़्यादा हम उससे वो करेंगे तो बिल्डिंग ना कोलैप्स हो जाए, थोड़ा ये डर हमें एक बना हुआ था, इसलिए ऑपरेशन बड़ा देख के कर रहे थे। कुछ रीज़न पता चल पाए कि आखिर क्या वजह थी? नहीं, घर में अभी है तो जिनका मकान था वो बता पाएंगे कि सडनली कैसे आ गया, सिलेंडर में लीक हुआ या कैसे हुआ, वो तो घर अभी उनसे बात हमारी नहीं। ऑफिशियल हम कितने सिलेंडर कह सकते हैं, छोटे बड़े दोनों मिला के? जैसा ब्लास्ट जो बता रहे हैं लोगों की वो है, लेकिन जब मिल जाएंगे उनके हमें सेल तब काउंट करके बताएंगे। क्या बड़ा सिलेंडर के बारे में बताया जा रहा है, सिर्फ छोटे सिलेंडर? नहीं, LPG सिलेंडर्स हैं अंदर, अभी एंट्री हमने ले ली है। जो घरेलू सिलेंडर डोमेस्टिक होते हैं सर ये भी नहीं देखा, जैसे सर्च करेंगे तब बताएंगे। पुलिस के बारे में कुछ बात हुई क्या, कोई नेग्लिजेंसी है किसी तरह का कोई सेक्ट? नहीं, अभी मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, अभी तो हम अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट होने के बाद फिर आपको सारी डिटेल दे रहे हैं। सर अपना पूरा नाम बता दीजिए। मनोज कुमार शर्मा, असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, थैंक यू।